जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कमरान और आप देख रहे हैं द रियल न्यूज़। दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो वीडियो टॉपिक है वो ये है कि कब होगी रंगिया जंक्शन की इलेक्ट्रिफिकेशन। तो मैंने जैसे कि पहले भी ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है असम के बारे में और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के बारे में कि न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन कब होगी, तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो पहली वीडियो आप देख सकते हो, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आकर आप वीडियो देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे रंगिया जंक्शन की इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, उसके बाद एक भाई ने सवाल किया है वो भी बात करूंगा, और उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब मेरे चैनल पे चलेगी गिव अवे। इस गिव अवे में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स है और जो न्यू जो विजिट करते हैं चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं करते उनके लिए भी है। तो आपको करना क्या है, करना यह है कि आपको जस्ट वीडियो को लाइक करना है इससे पार्टिसिपेट करने के लिए। लाइक करने के बाद कॉमेंट करना है, और हाँ इसमें शर्त है, कमेंट है वीडियो में 250 से ऊपर कमेंट होने चाहिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको फॉलो करना है। तो इस तरीके से आप पार्टिसिपेट करोगे गिव अवे में। अब गिव अवे में जब पार्टिसिपेट कर जाओगे तो उसके बाद क्या करना है, मैं रैंडमली इसका सबसे अच्छा कमेंट होगा ना भाई, कसम से कहता हूँ, उसे मैं सेलेक्ट करूँगा तीन बंदे को। पहले बंदे को जो सरप्राइज मिलने वाला है वो ये है कि उसे एक मिलेगा होम थिएटर, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला होम थिएटर उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे अच्छा कमेंट होगा उसे मिलेगा ये ट्राइपॉड। तीसरे नंबर पे दोस्तों जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा उसे मिलेगा पेटीएम कैश अप टू 500 रुपीज। तो ये है गिव अवे पे। आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है, 250 से ऊपर कमेंट होने चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को दबाते हुए ऑल करके। उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम में फॉलो करना है और मुझे मैसेज डाल देना है इंस्टाग्राम में कि सर मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दिया है। तो मैं रैंडमली यूट्यूब पे जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा उसे उठाऊंगा, और उठा कर उसे ये तीन लोगों को, ये जो तीन सबसे लकी लोग होंगे उन्हें मिलेगा, पहले वालों को होम थिएटर, दूसरे वालों को ट्राईपॉड, तीसरे जो विनर होंगे उसे मिलेगा 500 पेटीएम कैश। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं, आपको बताते हैं क्या है अपडेट्स रंगिया जंक्शन की। तो दोस्तों रंगिया जंक्शन की जो अपडेट है, यहाँ पे आप पिक्चर देख लो, ये सब पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे ये पिक्चर आपको दर्शा रही है कि रंगिया जंक्शन तक इलेक्ट्रिफिकेशन पहुँच गई है। तो ये जो है इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे अभी पहुँच चुकी है मगर स्टार्ट नहीं होगी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बता दिया है, न्यू अलीपुर द्वार तक कवरेज हो गई है पूरी, मतलब पूरी जो कैटिनरी वायर्स होती है उनकी कनेक्शन वहाँ तक हो गई है। मगर ये जो रंगिया जंक्शन का जो आप फोटो देख रहे हो, यहाँ क्या है कि यहाँ पर स्टेशन तक अभी कैटनरी वायर को लगाया गया है, इसे जोड़ा नहीं गया है न्यू अलीपुर द्वार से, ठीक है। इसे पूरा कनेक्ट किया जाएगा, न्यू अलीपुर द्वार, न्यू बंगाईगांव, कोकराझर, सबको कनेक्ट करते हुए फिर ये आएगी रंगिया जंक्शन तक और जाएगी गुवाहाटी तक। उसके बाद गुवाहाटी तक चल जाने के बाद फिर इसे मे बी 2021 तक जून जुलाई तक इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब इलेक्ट्रिक इसमें पावर सप्लाई इसमें दे दिया जाएगा। उसके बाद हमारी जो है सरायगढ़ एक्सप्रेस हो या जितने भी ब्रह्मपुत्र मेल हो, ये गुवाहाटी तक इलेक्ट्रिक इंजन लेकर, इलेक्ट्रिक लोको लेकर आएगी। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई। और ये इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ तक जाने वाली दोस्तों, ये जाने वाली है आपकी लमडिंग जंक्शन तक। लमडिंग जंक्शन तक 2021 के आखिर तक ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया। तो मेरी बहुत से सारी पुरानी वीडियोस भी पड़ी है, रेलवे से रिलेटेड इलेक्ट्रिफिकेशन है, रेल टॉक्स है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी वो सब वीडियो देख सकते हो। पॉपुलर अपलोड्स है बहुत सारे, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक है, बहुत सी बात आपको समझ में आएगी वहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ दूसरी बात, वो ये है कि भाई ने आज कमेंट किया है, उनका कमेंट आपको पहले पूरा बता देता हूँ क्या कमेंट किया है। उन्होंने पूछा है, उनका नाम है गोपाल साहा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा उनका क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया। उनका क्वेश्चन ये है कि नहर लगून हर मुती रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू कब होगा, और उन्हें कहा कि आई जस्ट सब्सक्राइब योर चैनल बट आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और मैंने पहले भी भाई कहा है वीडियो में कि आप जितने भी मन चाहे क्वेश्चन पूछे, 12 बजे रात में पूछे, 2 बजे रात में पूछे, आई एम अग्री, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको उसका जवाब दूंगा जितना मुनासिब हो सके, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा, और जो ट्रू न्यूज़ होगी ना वो आप तक पहुंचाऊंगा, फेक नहीं मैं बोलने वाला है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था आपका, वो आपने सुना होगा, वो भोपाल जंक्शन में जो किडनैपर को पकड़ा गया, वहाँ पे लोगों ने फेसबुक पे कमेंट करना शुरू किया, तुम फेक न्यूज़ ये कर रहे हो, तुम फेक न्यूज़ सुना रहे हो। भाई मैं पहला चीज़, मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए वो लोग मेरे पर बिलीव नहीं कर रहे थे। जब बड़े यूट्यूबर ने भी वो वीडियो अपलोड कर दिया, वो 3 साल की बच्ची को लेकर किडनैप जो हुई थी, जो भोपाल जंक्शन में से पकड़ा गया और ट्रेन को 219 किलोमीटर चलाया गया, तो तब उन्हें बिलीव होने स्टार्ट हुआ, कमेंट
फट 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 डिलीट होना शुरू हो गए। तो मुझे पता चला कि ये बंदा जो है ये सबसे पहले इसने न्यूज़ पहुंचाया है, ट्रू न्यूज़ पहुंचाया है। तो मैं यहाँ पर आपको क्वालिटी न्यूज़ देता हूँ, आज जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अनाउंस करती है वही न्यूज़ देता हूँ। तो गोपाल साह जी का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि नहरगांव और हरमुती लाइन जो है इसकी जो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात है, तो सर ये बता दूं आपको कि अभी जब तक लमडिंग जंक्शन तक इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू नहीं हो जाती तो अभी तो नहर लगुन की बात उठती नहीं है रेलवे की तरफ से, क्यों अभी ये सिंगल डीजल लाइन है। सबसे पहले इसकी डबलिंग होगी, डबलिंग होने के बाद ट्रैक की डबलिंग होगी, डबलिंग होने के बाद इसके बाद यहाँ पे रंगिया जंक्शन से जो ये मतलब इनकी रूट जो डाइवर्शन हो रही है उसके बाद से यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन इसकी शुरुआत की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जब लमडिंग जंक्शन की मान लीजिए अगस्त सितंबर अक्टूबर जब भी कंप्लीट हो जाए 2021 में, उसके बाद फिर नहर लगुन रूट को चुना जाएगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को ये कनेक्ट करती है, इसलिए इसे भी प्रायोरिटी दी जाएगी। और बहुत सी ऐसी स्पेशल जो न्यू दिल्ली से चलती है नहर लगुन के बीच में, तो इसे प्रायोरिटी दी जाएगी और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन 2021 तक उम्मीद करता हूँ स्टार्ट हो जाएगी अगस्त सितंबर के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि मैं क्वालिटी वीडियो मैं लाता हूँ आपके लिए, मैं झूठ फेक बातें नहीं लाता। मुझे ऐसी फेक न्यूज़ दिखाकर मुझे सब्सक्राइबर्स या मुझे मतलब पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं वो बंदा हूँ जो मुझे मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं अपने शहर में पॉपुलर हूँ, ठीक है। मैं वैसा यूट्यूबर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, अपने मोहल्ले के लिए मैं आम लगा ही रहना चाहता हूँ कि मैं जाकर मछली बाजार से खुद से खरीद सकूँ। मुझे कोई वहाँ पकड़ कर ये नहीं बोले भाई बताओ 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 इसका आंसर क्या उसका आंसर क्या, ऐसा यूट्यूबर मुझे नहीं बनना है। और मुझे शौक है रेलवे टॉपिक पे वीडियो बनाना, इसलिए मैं रेलवे टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन का आंसर गोपाल साह जी को भी मिल गया होगा और जो बार बार मेरे एक सब्सक्राइबर वो पूछ रहे थे रंगिया जंक्शन के बारे में उन्हें भी ये आंसर मिल गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह से रेल से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहती है। और हाँ, गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, आप भी जीतेंगे और आप पार्टिसिपेट करेंगे। कमेंट मैंने कह दिया 250 होना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो होना चाहिए। आप मैसेज मुझे कर देना वहाँ पे कि मैंने आपको सब्सक्राइब भी कर दिया फॉलो भी कर दिया। तो सबसे जो लकी होंगे बंदे वो 3 लकी बंदे को मिलेंगी ये सारी गिफ्ट्स। और मेरे पुराने वीडियोज़ भी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के रखें अपना ख्याल। टेक केयर एंड